शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। श्रद्धा, मैंने कीर्ति को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने जिद पकड़ ली, तो तुम ही बताओ, बताओ मैं क्या करूं? आपको कीर्ति को समझाना पड़ेगा वरुण जी। श्रद्धा, कीर्ति ने अपना फैसला ले लिया है और मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं उसने सही फैसला लिया। इस घर के लिए वही सही रहेगा कि हम इस घर से अलग हो जाएं। अब यही सच्चाई और हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। हमने फैसला ले लिया है वरुण जी, हमें इस घर में नहीं रहना है, वो नहीं रहना है बस। भाई साहब, भाभी जी, कीर्ति की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये तो भैया और भाभी है जिन्होंने हर गलती पर कीर्ति को माफ कर दिया, और देखिए आपकी बेटी तो अब घर तोड़ने पर आ गई। हमने ऐसा कौन सा दुख दे दिया जो कीर्ति ऐसा कह रही है? तो फिर एक और सच के साथ कीर्ति को जीने दीजिए। वही सच जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था, वही सच जिसे जानने के बाद मैं डर गई थी कि कहीं कहीं ये सबके सामने आ गया तो पूरा परिवार ना बिखर जाए। लेकिन अब अगर आपको घर टूटने से कोई आपत्ति नहीं है तो फिर पूरा सच सामने आने देते हैं। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता, विनती करता हूं तुमसे, प्लीज इस सच को सामने मत लाओ, ना मेरी जिंदगी, मेरा पूरा परिवार, सब कुछ खत्म हो जाएगा श्रद्धा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और अभी जो ये आप घर छोड़कर जा रहे हैं उससे ये परिवार खत्म नहीं होगा। वरुण जी, आपने सोचा है ताऊ जी और ताई जी पर क्या बीतेगी? या तो आप कीर्ति को रोकिए, वरना इस सच का फैसला भी कीर्ति को लेने दीजिए। रुको श्रद्धा, ये अच्छा लग रहा है। अरे वरुण जी, आप आ गए, इधर आइए ना, अरे आइए ना, बैठिए। ये देखिए कैसा है, ये कलर ना हम दीवार पे करेंगे और हम सोफा भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना अच्छा है, और बेड तो हम दिखाना ही भूल गए। एक मिनट, बेड भी सेलेक्ट कर लिया है हमने। हाँ, ये अच्छा है ना? क्या बात है कीर्ति, अभी हम घर से निकले भी नहीं है और तुमने नए घर की दीवारों के लिए कलर सेलेक्ट करने शुरू कर दी। कीर्ति, अब हम आपके स्वीटू नहीं रहे क्या? और क्यों ना चुने हम कलर, नए घर में जाना है, नई शुरुआत करनी है, बस अब इस जेल से हमें निकलना है। या तो आप कीर्ति को रोकिए, वरना इस सच का फैसला भी कीर्ति को लेने दीजिए। वरुण जी, अरे बताइए ना, देखिए ये अच्छा लग रहा है, और भी ऑप्शंस हैं। हम आपको 2 मिनट, तुम जानती हो इस घर की हर दीवार से
मेरी ना जाने कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। ये वो पहला गिफ्ट जो पापा ने मुझे दिया था, मैंने आज तक इसे संभाल कर रखा है। ये ट्रॉफी मुझे तब मिली थी जब मैं रेस में फर्स्ट आया था। मम्मी इतनी खुश हुई, इतनी खुशी से झूम उठी कि हर पड़ोसी के घर में जाके ये ट्रॉफी दिखाई और सबको मिठाई खिलाई। और ये घड़ी मुझे चाचू ने गिफ्ट की थी जब मेरा कॉलेज में दाखिला हुआ था। तब और ये फुटबॉल, इस फुटबॉल से मेरी न जाने कितनी यादें जुड़ी हुई। वरुण जी, साफ साफ कहिए आप कहना क्या चाहते हैं? कीर्ति, मैं ये घर, मेरा परिवार छोड़ के नहीं जा सकता। मैं जो भी हूं इनसे ही, ये मुझसे नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? मुझे समझने की कोशिश करो कीर्ति, प्लीज। वरुण जी, 2 मिनट पहले आप तो मान गए थे, तब आपको याद नहीं आया ये गिफ्ट, ये आपका ट्रॉफी, ये फुटबॉल। अब क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने वो सब कहा था, लेकिन अब मैं अपने मम्मी पापा को ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, हम नहीं आए अपनी मम्मी पापा को छोड़ के? ये तो समाज का नियम है ना, हमें को करना ही पड़ेगा। अरे, हमारे मम्मी पापा के साथ तो कोई भी नहीं है, पर आपकी मम्मी पापा के साथ उनका भाई, उनका पूरा परिवार है। लेकिन उनका बेटा तो नहीं होगा ना, उनका इकलौता बेटा। वरुण जी, आपको जो लगता है वो लगे, पर हम ये घर छोड़कर जाएंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है, बस। जल्दी चल, तेरी वजह से हमेशा। यार, मैं बॉक्स ही नहीं मिली थी, मैं कब से ढूंढ रही थी, अब जाके मिली है। तो मिलेंगे यार। मुझे ना कल की वजह से ताईजी ताऊ जी की बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद से पता नहीं क्या हाल होगा उनका। बहुत बुरा लग रहा है मुझे उनके लिए। श्रद्धा, तुमने नाश्ता? अरे ये श्रद्धा कहाँ है? देखा उसे तुम लोगों ने? अरे आंटी जी, आप तो अपनी बहू को ऐसी आवाज दे रही हैं जैसे कि वो घर पर ही हो। सोनिया, तुम्हें सीधे बात करने में तकलीफ होती है क्या? आंटी जी, आज ना श्रद्धा आपकी बहू नहीं बल्कि कीर्ति की बहन है। मैंने अभी उसको नीचे देखा है। नीचे है वो, भी देखते हैं उसको। ताई जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कीर्ति, आ जा, नाश्ता कर ले। आज हर चीज तेरे पसंद की बनाई है, तू रह ही नहीं पाएगी बिना खाए। हमें भूख नहीं लगी है, हमें कुछ नहीं खाना। अरे एक बार चल के देख तो ले, तू डिसाइड ही नहीं कर पाएगी कि पहले ये खाएगी या फिर ये। कल कितना कुछ सुनाया कीर्ति ने श्रद्धा को, लेकिन श्रद्धा को देखिए, हमेशा परिवार और रिश्तों को जोड़ने में लगी रहती है। अभी आप ठीक कह रही है, श्रद्धा की कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन हमें सिर्फ एक बात का डर लग रहा है। अगर तनु भाभी ने ये देख लिया और अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो पता नहीं वो गुस्से में क्या करेगी, रिश्ते सुधरने की जगह और ज्यादा ना बिगड़ जाए। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को
सुलझाती। श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।